नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मंडी का दौरा है आज। आपको बता दें कि ऐसे में आपको बताएंगे सीएम के दौरे को लेकर खास हलचल। दिल्ली में हिमाचल के मंत्रियों का तांता लगा हुआ है, आगे देखिए। दिल्ली दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने केंद्र श्रम मंत्री से रोजगार को लेकर क्या खास बातचीत की। हिमाचल में तिब्बती रिफ्यूजी में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने घोषित स्वतंत्रता दिवस मनाया। रंग बिरंगी पताकाओं से सजे तिब्बतियों ने कैसे मनाया जश्न, आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मंडी से आ गई, आपको बता देते हैं। मंडी दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 18 से 20 फरवरी तक मंडी में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम सुक्खू करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। मंदिर में 5 दिन हवन किया जाएगा, 3 दिन चलेगी म्यूजिकल नाइट। 18 से 22 फरवरी तक चलेगा महोत्सव, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 दिन म्यूजिकल नाइट चल रही है, 5 दिन में यज्ञ होना है। तो आपको बता दें कि 18 से 22 फरवरी तक का एक कार्यक्रम है। मंडी दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हर एक चीज पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शिरकत करने के लिए कार्यक्रम में आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ही महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे, जिसके चलते अधिकारियों द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव भी होगा और मंडी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। 18 से 20 फरवरी तक मंडी में मुख्यमंत्री रहने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैजनाथ मंदिर में 5 दिन हवन किया जाएगा, 3 दिन म्यूजिकल नाइट भी चलेगी। सीएम सुक्खू महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 3 दिन चलेगी म्यूजिकल नाइट, इस वक्त की बड़ी खबर। 18 से 22 फरवरी तक ये महोत्सव चलने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, जिस तरीके से मंडी का दौरा है मुख्यमंत्री का और साथ ही साथ शिवरात्रि महोत्सव में भी शिरकत करेंगे सीएम, क्या कुछ हलचल है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 से 20 फरवरी तक मंडी में ही रहने वाले हैं। पहली बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी शहर में पहुंचने वाले हैं। ऐतिहासिक जो यहां पे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है, इसमें सीएम जो है वही जो है सूबे के जो है मुख्यमंत्री वही जो शिरकत करते हैं और शुभारंभ करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई हैं। पीछे रोज ही जो है चंद्रशेखर विधायक जो है धर्मपुर, उन्होंने जो है प्रेस वार्ता की, इसकी जानकारी जो है उन्होंने ही दी कि 18 से 20 फरवरी तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी में ही रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक जो है उनकी जो ऑफिशियल जो है प्रवास का जो अभी तक दौरे का जो अभी तक कुछ भी नहीं आया कि कहां कहां उनका जो है उद्घाटन और शिलान्यास रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से महोत्सव की शुरुआत भी होगी उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां जोरों शोरों पर चली हुई है। 18 को जो शिवरात्रि है और मंडी में एक दिन बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है। सीएम जो है इसमें शिरकत करते हैं और पहली जलेब की जो है अगुवाई करते हैं, उसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहते हैं और पहली सांस्कृतिक संध्या में भी सीएम ही मौजूद रहेंगे। पहली सांस्कृतिक संध्या का भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है शुभारंभ करेंगे। इसमें जो रहती है मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि महोत्सव में 3 प्रमुख जलेब रहती है। एक 19 तारीख को निकाली जाएगी, वहीं एक तीसरे दिन और एक अंतिम दिन जो 25 फरवरी को जलेब निकाली जाएगी, और अंतिम जलेब में जो है राज्यपाल जो है प्रदेश के जो है मौजूद रहेंगे। जी ठीक है धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट चुके हैं। शिमला में उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए निलंबित चल रहे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर सरकार द्वारा जल्द कोई निर्णय लेने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीमेंट विवाद को लेकर भी 2 से 3 दिनों में हल निकालने की बात कही। सुनवाते हैं आपको। जो पर्यटक है उसका आदान प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए, और आप भी एक नीति लाइए और हम भी एक नीति लाएंगे, तो मैंने उस दृष्टिकोण से भी बात की है। तो आने वाले समय में अब गोवा सरकार का जो
रिस्पांस होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। कर्मचारी चयन नियोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है पर उनको भी पेपर बेचे गए हैं। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सेंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन तक उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्ज़ाम हो उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश किया और प्रयास किया, मैंने हमेशा कहा कि मैं ट्रकर्स के जो ट्रक ऑपरेटर्स है सरकार उनके साथ खड़ी है क्योंकि हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के लोग होने के बाद उनके अपने ट्रक है, बैंकों से उन्होंने लोन दिया है। इससे भी बढ़कर बात इन लोगों की अपनी ज़मीन गई है जब ये फैक्ट्रियां लगी है, अब उस समय के अनुसार और आज के अनुसार में बहुत अंतर आ गया। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे उद्योग मंत्री ट्रकर्स के साथ बात कर रहे हैं और हम एक हो या दो दिन में इस विवाद तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडल्य, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि रोजगार को लेकर चर्चा हुई है, हिमाचल में युवाओं को मिलेगा जल्द रोजगार, उनके द्वारा कहा गया है 680 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि 680 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडल्य, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोजगार को लेकर चर्चा हुई है, हिमाचल में युवाओं को जल्द रोजगार मिलने जा रहा है। दरअसल 680 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर रखा गया है। दिल्ली दौरे पर कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडल्य, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट हुई है और आपको बता दें कि रोजगार को लेकर चर्चा की गई है। श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी से आज चर्चा हुई, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनको मिलना। बड़े अच्छे सार्थक चिंतन के धनी हैं श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने हमारी सब समस्याओं को बड़े गौर से सुना, बड़े ध्यान से सुना और आश्वासन दिलाया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं धीरे धीरे केंद्र सरकार इसमें पूरा आपका योगदान देगा और हम इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि एक वक्त हम अपने प्रदेश में अपने ही संसाधन बना लेंगे और उसी पे ऐसा इसी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की। जैसे हमारा प्राकृतिक पर्यटन का है, प्राकृतिक सौंदर्यता का ताल्लुक है, हमारे प्रदेश की जो यहाँ की छटा है वो अनुपम छटा है, सारी दुनिया से देखना चाहती है, इसलिए अपने अधोसंरचना में विस्तार और अपनी सुविधाओं में सुधार हमारा एक लक्ष्य रहा है और इसी लक्ष्य को आगे चल के हम लोगों ने आजकल एक पोर्टल बनाया है जिसमें युवाओं को हर विभाग में कहाँ कहाँ उन्हें काम मिल सकता है और किस प्रकार से हम अपनी रिक्त जो पद हैं उनको भर रहे हैं इसके बारे में उनको सूचना देने का प्रक्रम बनाया है। इसे मुझे बहुत अच्छा लगा, श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी के साथ मिलकर उन्होंने ना चलाने का भी न्योता स्वीकार किया और जो जो भी जिस प्रकार की हमारी चुनौतियाँ उनमें से बाहर निकल कर कैसे वो योगदान दे सकते केंद्र सरकार से उसका भी वादा किया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस सीजन में शुरू करने का लक्ष्य है, ये प्लांट ठियोग में बनाया जा रहा है। बागवानी मंत्री ने आगे कहा है कि प्लांट के निर्माण के साथ ही सड़कों को चौड़ा करना भी एक लक्ष्य है ताकि बागवानों को इस सीजन में ही तमाम सुविधाएं मिल सके। वहीं जगत सिंह नेगी ने जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद को लेकर भी आश्वासन दिया है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि ये मुद्दा बहुत पुराना है जिसे पूर्व की सरकार के समय भी विधानसभा में उठाया गया था। अब पराला का जो हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है ये काफ़ी अब इसमें जो है काम अभी थोड़ा जो बचा है उसको जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं हम इसको फंक्शनल करने का, हमने टारगेट दे रखा है कि इस सीज़न में हम इसको फंक्शनल करेंगे। पर इसके साथ में दूसरे और भी जो इसके साथ सड़क की बात है उस एरिया में सड़क को चौड़ा करना है और जो अन्य दूसरे फैसिलिटीज़ है सबको जो है हम जो है जल्द से जल्द उपलब्ध कराकर इस सीज़न में जो है एक इस जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है इस पर फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। J&K के साथ जो सीमा का विवाद है कोई नया नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से ये पेंडिंग है, पिछले सरकार के समय में विधानसभा में ये मामला उठा था, वो हमने भी उठाया था इसको। तो इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है भारत जोड़ो यात्रा में
जब ये श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में इन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे भी मुलाकात की है और इस विषय को उठाया है। तो इसका सीमाकरण करके जो भी इसमें करने की जरूरत है आगे हम करने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर? जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिर आपकी शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। नयना देवी विधानसभा की मौजूदा बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने स्वारघाट में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान फोर लेन निर्माण में लगी कंपनियों को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फोर लेन कंपनी की ओर से रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी जमकर खनन कर रही है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अन्य स्थिति से निपटने के लिए तिब्बती रिफ्यूजी बस्तियों में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने अपना घोषित स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसमें तिब्बत की राष्ट्र निदेशक तेंजन लेगधिन ने बताया कि ये पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और अपने देश तिब्बत का झंडा उठाकर वो लोग गलियों में पैदल मार्च निकाल रहे हैं और भव्य रूप से अपना आयोजन मना रहे हैं। ये जो आज का दिवस है, ये मनाने का जो मकसद है वो है कि हम एक आज़ाद देश है, तिब्बत एक आज़ाद देश है, तिब्बत आज़ाद देश था और हमेशा रहेगा। जैसे हम एविडेंस बोलते हैं एक आज़ाद देश होने का, बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास आप करेंसी, आप जो भी जो सिम्बॉलिक जो है एविडेंस होते हैं एक आज़ाद देश होने का, वो सब है। पर ये चीन हमेशा से नकारते आ रहा है, इसीलिए आज का दिन जो है सेलिब्रेट करना ही उनके लिए एक प्रोटेस्ट का फॉर्म होता है। हमारे लिए आप बच्चे देख सकते हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक हौसला है कि हम भी एक आज़ाद तिब्बत देश में हिस होने से 14 दलाई लामा जी के साथ वापस जा पाएंगे और जाएंगे जरूर। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। छोटी काशी मंडी में 19 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होने जा रहा है। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 18 से 20 फरवरी तक मंडी में ही मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने है तो मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष, मैं आपको बताऊं, 2 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास रहेगा। 18 तारीख से ये प्रवास शुरू होगा और 20 तारीख की सुबह तक वो यहीं रुकेंगे, तो लगभग 2 दिन का प्रवास उनका बनेगा। उनका जो कार्यक्रम होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आपको अलग सा पहुँचेगा, लेकिन मैं वैसे ही अनौपचारिक तौर पे आपसे इस बात को कर रहा हूँ कि इस तरह से कार्यक्रम रहेगा। जो यथा योग्य सम्मान सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए, उस बात की हम गारंटी देते हैं कि उनका पूरा सम्मान मंडी के शिवरात्रि मेले में होगा। सिरमौर के युवा नेता ने 135 महिलाओं को रेणुका जी के दर्शन कराए। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने पर 251 महिलाओं को मां रेणुका जी के दर्शन करेंगे, लिहाजा चुनाव जीत जाने पर उन्होंने महिलाओं को दर्शन कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले 3 शिफ्ट में प्रदीप चौहान भी 29 महिलाओं को धार्मिक यात्रा करवा चुके हैं। ऐसे में अब तक कुल 135 महिलाओं ने रेणुका माता के दर्शन किए। को पता है कि मेरी एक मन्नत थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं 251 महिलाओं को यहाँ पर माता सिखाऊंगा। आज से पहले मैंने 106 महिलाओं को रेणुका माता जी के दर्शन करवा दिए हैं और आज मैं संक्रांत के दिन 13 फरवरी 2023 को 29 महिलाओं को लेके आया हूँ और अब तक टोटल जो है 135 महिलाओं को मैं यहाँ पर माता टिका चुका हूँ।
और रेणुका माता जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी मन्नत को पूरा करा। तो वहीं बिलासपुर में 2 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को लेकर तैयारी चल रही है जो 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के होंगे जो कि 50 बीघा जमीन पर लगेंगे। इस संदर्भ में हेम ऊर्जा विभाग उपयुक्त साइट की सिलेक्शन के लिए जुटा हुआ है। इस महीने उपायुक्त साइट का चयन कर लेगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार से हेम ऊर्जा से इसके बारे में एक लेटर आया था कि स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत जिला में जो है 2 सोलर पावर प्लांट्स 2 पंचायतों में लगाएंगे और उन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट होगा और उस पंचायत को ग्रीन पंचायत के नाम से घोषित किया जाएगा। कंसर्न्ड SDM को हमने एक लेटर लिखा है सदर और नैना देवी की कि भी हमारे को जो है लैंड के बारे में बैरन लैंड के बारे में बताया जाए तो आगे कार्रवाई चल रही है इसके बारे में। जैसे ही कोई आगे जमीन का मिलती है हमें उसके बारे में आपको फिर सूचित कर देंगे। वहीं स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया है। जिले में 200 मुख्य शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूलों को कई प्रकार के डिजिटल उपकरण भी दिए जा रहे हैं। हमीरपुर में निजी संस्थान में विशेष बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया जिसमें बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने 30 से 35 विशेष बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की है। वहीं बच्चों के माता पिता को उनकी जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी साझा की गई है। हम टाइम टू टाइम बच्चों का वैसे भी लगवाते रहते हैं हर टाइम से। हमारी संस्था पिछले 8 सालों से काम कर रही है तो हमारा रहता है कि हम हर 3 महीने के बाद कोशिश करते हैं कि बच्चों को मेडिकल कैंप लगे ताकि बच्चों की हेल्थ के कोई इश्यूज हैं कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स वो डिस्कस कर सकें। तो हम हर टाइम जो है मेडिकल कैंप तो हम हर 3 महीने में ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस बच्चों का हमारा रहता है कि जैसे हम 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा रहता है कि बच्चों को जो भी गवर्नमेंट की वो स्कीम्स हैं वो बच्चों को हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाएं जिसमें हम लोग बच्चों को जैसे पेंशन लगती है तो बच्चों पेंशन लगवाते हैं प्लस हमारा मेडिकल कैंप बनता होता है प्लस हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है तो वो सब जो संस्था जो पूरा काम करती है। सुजानपुर में पहली बार सरस मेले का आयोजन हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव आगामी 5 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। होली उत्सव पुष्प पर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। मेले में देश भर से 26 राज्यों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। कुमारवी की नगर परिषद की ओर से भले ही शहर में घर घर कूड़ा उठाने की योजना चलाई जा रही हो लेकिन फिर भी लोग इधर उधर कूड़ा फेंककर शहर को खराब कर रहे हैं। इस तरह इन लोगों ने इसके बाद रोष प्रकट किया है। आपको बता दें कि पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर परिषद कुमारवी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में एक लंबी छलांग लगाई थी लेकिन इस बार व्यवस्था धरी की धरी रह गई। मैं शहरवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने व्यवस्था पैदा की है घर घर से कूड़ा उठाने की और हम घर से कूड़ा उठाते हैं हमारे कर्मचारी हमारे व्हीकल उनके घर में आते हैं मगर कुछ लोग कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। हमारा उनसे प्रार्थना है कि कृपया वो हमारे कर्मचारियों को कूड़ा दें बाहर कूड़ा नहीं फेंके। हम शहर में कुछ स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए विचार कर रहे हैं और जल्दी कैमरे लगाए जाएंगे और जो उस कैमरे में कूड़ा फेंकता हुआ पकड़ा गया उसको 5,000 रुपये जुर्माना और गांधी चौक पर एक बड़ी स्क्रीन पर उसको सबके सामने दिखाया जाएगा कि ये इंसान है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया करके अपनी इज्जत के लिए और हमारे शहर को स्वस्थ रखने के लिए। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव स्तर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में रक्तदान करने के लिए सैकड़ों युवाओं की भीड़ देखने को मिली। युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने का प्रेरणा ली है। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि युवा सहयोग दे रहे हैं। अन्य संस्थानों से यहाँ पे आज जो रक्तदान के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि लगभग 150 का आंकड़ा आज यहाँ पे हो जाना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे जो लोगों का जो है उत्साह बना हुआ है इसका मेन मकसद जो है यहाँ पे जब भी हमारे घाटी के अंदर जो लोगों को जो विशेषकर जो मरीजों को रक्त की कमी पड़ती है तो उन रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मकसद से ये जो है यहाँ पे हर प्रतिवर्ष हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन करते हैं।
बिलासपुर पुलिस ने 2 महीने में नक्सल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 50 नक्सल तस्करों को सलाखों के पीछे डाला है। वहीं 27 मामले NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के तहत 3 मुख्य सरगने को पुलिस ने दबोच लिया है। DSP राजकुमार ने बताया कि पुलिस नक्सल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती रही। जो है वो कुल 27 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिला बिलासपुर में, और जिसमें टोटल 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इनमें जो 3 बड़े जो सोर्सेज है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। अभी हमने जो 3 बड़े सोर्सेज को जो पकड़ा है, जिसमें 252 ग्राम अभी हाल ही में पकड़ा था, पैसा उन्होंने इलीगल गलत तरीके से जो अर्जित किया है, उस प्रॉपर्टी को भी सीज करने की पूरी प्रयास जो है हमारा इस साल रहेगा। बद्दी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला बद्दी के ही साई रोड का है, जहां देर रात चोरों ने एक निजी बैंक को अपना निशाना बना लिया। बैंक की दीवार तोड़कर चोरों ने बैंक में सेंध लगा दी और कई लाखों रुपए का सामान लेकर मौके से फरार हो गए। बद्दी और बरोटी वाला में काफ़ी CCTV कवरेज लगाई गई है। हम नालागढ़ की तरफ भी विस्तार कर रहे हैं। CCTV से एक तो प्रिवेंशन रहती है और हमें फिर क्राइम ट्रैकिंग में ईजी होता है। बद्दी पुलिस ऐसे लोग जो ऑपरेट करते हैं या फिर छोटी मोटी चोरियां करते हैं, उनको टॉलरेट नहीं करती। हाल फिलहाल में भी दर्जन भर लड़के BBN क्षेत्र भर में किए हैं अरेस्ट, जिन्होंने जो चोरियों में रहे हैं उसकी वजह से चोरियां नीचे आई। बट अभी मामला क्योंकि सामने आया है तो टीम्स आर एक्टिव। आई एम श्योर जो ये दो शरारती तत्व हैं, इनको भी हम जल्द पकड़ लेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपके आसपास अगर आपको लगे कोई शरारती तत्व है तो पुलिस को रिपोर्ट करें, 112 पे रिपोर्ट करें। चंडीगढ़ बनारी नेशनल हाईवे पर टेम्पो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। दुर्घटना में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार कीरतपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहा था, तेज रफ्तार होने की वजह से वो टेम्पो से टकरा गया। जा रही थी और प्लाई बोर्ड भरा हुआ था मनाली का, तो ये जैसे ही गुजर हट्टी के समीप पहुंची तो वॉल्वो बस आ रही थी ऊपर से, और ट्रक वाले ने ओवरटेक करा और इसने अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में नाली में घुस गई। इसकी गाड़ी थोड़ी साइड में करी और नाली में गिर गई जाके। अगर नहीं ये ऐसा करता तो आमने सामने की टक्कर होने, फिर तो ज़्यादा नुकसान भी ज़्यादा होना था। इस चक्कर में इसने पार वाली साइड में कर ली थी। पंचकूला से तो वोल्वो चली हुई थी मेरे आगे, यहाँ परली साइड से आई वोल्वो, ट्रक वाले ने लिया पास। ट्रक वाला था बहुत स्पीड पे, अगर मैं ब्रेक लगा देता तो आमने सामने टक्कर हो जानी, इसी वजह से मैंने साइड लगाई, साइड में थी नाली उसी वजह से पलट गई गाड़ी। नौसेना मुख्यालय से CRSO टीम ने हमीरपुर का दौरा किया है। टाउन हॉल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर एक मीटिंग की अध्यक्षता हुई है। बैठक में नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया है। इस दौरान स्पर्श योजना के जरिए की जा रही पेंशन की अदायगी को लेकर भी बातचीत की गई है। सबसे बड़ी समस्या थी स्पर्श की। स्पर्श एक नया सिस्टम शुरू किया है नेवी वालों ने, आर्मी वालों ने, जिसमें नेवी का भी मतलब एक पार्ट है। यहाँ जो अधिकारी आए थे आज, इन्होंने स्पेशली स्पर्श के ऊपर बात की, पर क्या होता है कि इनके पास में आजकल इतना जो हार्ड कॉपी है वो नहीं मिल पाती, तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी इन्होंने देने की बात की है। तो हम लोग अपना रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें और ये इनके थ्रू हम वहां जाकर वो समस्याएं सॉल्व करें। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं रिया मार्ट, नमस्कार।